हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे शेयर आपके फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में। फंसेंगे अक्षरा और अभिमन्यु तूफान में। एक तरफ जहाँ पर फिर से अब अक्षरा समझाने की कोशिश करती है हर्षवर्धन को कि उसे बहुत पछतावा होगा जब उसे अपने रिश्तों की अहमियत पता नहीं है और वो इतने सालों से सबको धोखा दे रहा है और उसकी सबसे बड़ी जो है उसका रुतबा और उसका हॉस्पिटल और यही सब रिश्ते और नाते तो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते और साफ कह देती है कि वो उसके साथ नहीं है। तो साथ नहीं, वो अब देखने को मिलता है कि अक्षरा के ये सब कुछ कहने पर उसका थोड़ा सा असर जरूर पड़ता है, लेकिन फिर भी वो मंजरी को डराता है और कहता है कि अपने बेटे को रोकने की कोशिश करो, अगर मेरी पोजीशन तो चली गई है और अगर बीवी भी छोड़ के चली गई तो मेरी कोई भी इज्जत नहीं बचेगी। जिसके बाद देखने को मिलता है इससे अक्षरा अभिमन्यु को कोई फर्क नहीं पड़ता है और सुबह सुबह अक्षरा और अभिमन्यु दोनों क्लोज नजर आते हैं। लेकिन इस बात से अभिमन्यु यहाँ पर देखने को मिला दोनों में इमोशनल सीन होता है, लेकिन वो ठान चुका है कि वो मंजरी का तलाक करवा के ही रहेगा और वो पेपर था लाकर सबके सामने मंजरी को थमा देता है, साइन करने के लिए कहता है। सब रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन अभिमन्यु नहीं रुकता और मंजरी खुद ही साइन करने से मना कर देती है और अभिमन्यु नाराज होकर ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु दोनों ही तूफान में फंसे नजर आएंगे। और यहाँ पर मंजरी एक बार फिर से दोराह पर आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन देखने को मिलने वाला है अभिमन्यु और अपनी वाइफ को खोने के डर से हर्षवर्धन का हाल बेहाल होने वाला है और वो इसीलिए अब अपने आप को बदलने के लिए एक मौका मांगेगा।